सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को भी एंड तक देखिए। जो पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है सौरभ जोशी की ओर से। क्या सौरभ जोशी ने अपना नया शॉर्ट चैनल बना लिया है? पहले वो अपने पिछले ब्लॉग में बताई थी कि वो सोच रहे हैं नया चैनल बनाने की, पर अभी उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं बताया कि उसने चैनल बनाया कि नहीं बनाया। जब अपन उनके चैनल के सेक्शन पर जाते हैं तब आप लोग देख सकते हैं उनका एक चैनल है सौरभ जोशी शॉर्ट्स, जिसको उन्होंने ऐड कर रखा है, एंड ऑल्सो पीयूष ने भी इसको ऐड कर रखा है, जो कि उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये एक उनके फैन चैनल है क्या? अगर आप लोग इसके शॉर्ट्स देखेंगे तो वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, वो खाली ऐसे ही एडिट किए गए हैं एंड उसमें काफी सारी मीम्स भी लगाई गई है। तो आप लोगों को इस पर क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अगली अपडेट जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है डिवाइन की ओर से। डिवाइन एंड सिद्धू मूसेवाला का एक सॉन्ग आने वाला है, जिसको डिवाइन परफॉर्म किए अपने एक शो में। आप लोग देखिए पहले वो शो की क्लिप। एंड इसी के नीचे उनको एक बंदा कमेंट करता है, वो लिखा कि इस वास्ते सिद्धू मूसेवाला पाजी दे पेरेंट्स तो परमिशन मांगी गई है। इसी के नीचे डिवाइन ने रिप्लाई करते हुए कहा यस। सो जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है एमसी स्टेन की ओर से। अर्शी खान से भी पूछा गया था एमसी स्टेन के बारे में, तो अब देखिए वो क्या कहे। यार मैं कंफ्यूज थी प्रियंका के बीच में एंड शिव के बीच में, लेकिन अभी मुझे पल्ला थोड़ा सा भारी एमसी स्टेन का भी लग रहा है। शालीन एक नंबर का नल्ला है, बट ही इज क्यूट, बहुत क्यूट है वो। दिल का साफ है एंड नल्ला मतलब गलत वर्ड नहीं होता, इट्स यूजलेस। बट टीना को आउट होना था क्योंकि शालीन भनोत को विक्टिम दिखा दी, तो उसका आउट होना था। एंड अभी आप लोग देख सकते हैं एक ट्वीट ट्रेंडिंग पर चल रहा है, ट्रॉफी अवेट एमसी स्टेन, जिस पर आप लोग देख सकते हैं काफी सारे ट्वीट हैं। सो जो अगली अपडेट है वो आ रही है कृष्णा की ओर से। कृष्णा का भी एक पुणे में शो था जिस पर ऑडियंस चिल्लाने लगती है फक एमवी, तो देखिए उसके ऊपर कृष्णा क्या रिएक्ट किए। जो लास्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है एल्विश यादव की ओर से। अभी एल्विश यादव ने उनके मम्मी पापा का एक प्रैंक किया है, जिसमें वो नकली डियोर के शूज मंगाते हैं एंड वो इसका प्राइस बताते हैं 774,000 रुपए। तो आप लोग देखिए उनका क्या रिएक्शन था। ए, मेरे मुंह पे धरेगा इन्हें, पर नो 774,000, यो वाइट गोल्ड है, तूने गोल्ड का शौक है ना, ये वाइट गोल्ड है, तीसरे पार्ट के दे दे मेरे पास। हैं इसरे पार्ट के दे दे मेरे। अरे पार्ट के दे दे, क्या हुआ है, निकाल के दे दे मेरे तीसरा वाला गोल्ड का निकलेगा ना, स्टाइल है इसका ऐसा, तू तोड़ दे यहां से। अरे तू पागल है क्या, तोड़ दे जूता पकड़। कैसे हैं जूते, कैसे हैं, जैसे दुनिया के रह गए ऐसे हैं, इसने सूत्र तो जो तू पांव में घाल रहा है ना अभी है। देखियो फर्क है भाई, देख सुन मेरी बात, चाहे ये 10 लाख के चाहे 8 लाख के हैं, सिर का ताश तो ये जब बने ना, इस तो सूत्र तो वे हैं जो तू पहले लेकर आया था। कितने के लग रहे हैं जूते, मैं तेरे से ही पूछी है। होंगे 5-7 हज़ार तक के और के। और रहे कितने के, 774,000 रुपया। अरे जाने क्यों बकवास कर रहा है, मैं बहकाने में ही मिटी होंगे तूने। एक एक तेरे को समझ नहीं आती क्या, एक चीज दिखाऊं तेरे फोन में, अगर तू नसल लेते दिखा दिया अभी से अब तो तू सोच ली बस ना। एयर डियोर यही तो है, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर पहने वाले जूते, की करना है ये वाला का। पता कितने के हैं, देखिए रणबीर कपूर ने पहन रखे ना अभी, देख एयर जॉर्डन, इसका प्राइस कितना है देख, 774,000। इनके पीछे लग गा तो इन्हीं के पीछे लग गा, तू वो तो भावड़ा है, पागल है वो जो आदमी। अरे तो यही जूता है, ये जूते फिर मैं गाड़ी मत लाऊ, ये जूते एयर डियोर, ये वाला जूता 774,000 का, ये लिया आया मैं गाड़ी में, दे रहे
मौज कर दे। अरे सही मैं दिखाऊंगा, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। जो वाइट गोल्ड है वही काटना पड़ेगा। सही लग रहा है जूते, बढ़िया लग रहा है। हमने तो आपने तो पैर नहीं। अच्छा हाँ, 8 नंबर है वैसे तो, 8.5 नंबर है, आ जाएंगे। एंड बस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।